दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिंधी कौम से मुतलक 10 दिलचस्प हकायक पर बात करेंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। तो बगैर किसी तमहीद के चलते हैं वीडियो की तरफ। लफ्स सिंध दरअसल संस्कृत लफ्स सिंधु से निकला है, इसी नस्बत से दरियाए सिंध का नाम भी रखा गया है। नंबर दो, ये ख्याल किया जाता है कि सिंधियों का ताल्लुक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी दरियाए सिंध की तहजीब से है, जिनमें मोहनजोदड़ो की तहजीब काबिले ज़िक्र है। पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले सिंधी नकल मकानी करके हिंदुस्तान चले गए। वहाँ पर इन्होंने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को अपना मस्कन बनाया। इसके अलावा सिंधियों की एक बहुत बड़ी तादाद दुबई, हांगकांग, स्पेन, कैनेडा और अमेरिका में भी आबाद है। अगर सिंधियों के मज़हब की बात की जाए तो शुरू में ये लोग ज़्यादातर हिंदुज़म और बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखते थे, मगर बरसगीर में जब इस्लाम आया तो बहुत जल्द सिंधी कौम ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। आज दुनिया भर में सिंधियों की अक्सरियत का ताल्लुक इस्लाम मज़हब से ही है। पाकिस्तान और इंडिया में बसने वाली सिंधी कौम नए साल के मौके पर चेती चांद का त्यौहार मनाती हैं। ये त्यौहार दरअसल सिंधियों के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शहबाज़ कलंदर के उर्स के तौर पर मनाया जाता है। इस रोज़ सिंधी इज्तिमा की सूरत में मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया दरिया पर ले जाते हैं, जिनमें फल, चावल, पानी, गरी और चिराग शामिल हैं। इस मौके पर सिंधियों के हाथ में झूले लाल का एक स्टैचू भी होता है। नंबर पाँच, सिंधी आम तौर पर अपने नाम के साथ सर नेम एनी या जा इस्तेमाल करते हैं। एक सिंधी के नाम में इसके आबा अजदाद के गाँव के नाम के साथ एनी या जा लगाया जाता है। ज़्यादातर सिंधी कारोबार करते हैं, मगर इसके अलावा इस कौम में नामी ग्रामी लोग पैदा हुए हैं। मौजूदा दौर में बॉलीवुड के अदाकार रणवीर सिंह का ताल्लुक सिंधी कौम से है। नंबर सात, सिंधी कौम के मशहूर खानों में सिंधी बिरयानी, हैदराबाद मिर्चियों का सालन, शिकारपुर का अचार और सिंधी बटन बिरयानी काबिले ज़िक्र हैं। नंबर आठ, दोस्तों क्या आपने सिंधियों के मशहूर डांस लाडो के बारे में सुन रखा है? अगर नहीं तो कभी किसी सिंधी भाई की शादी को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। सिंधु कौम के हाँ, आजकल मर्द पैंट शर्ट पहनते हैं जबकि लड़कियां शलवार कमीज़ और चूड़ीदार पजामा पहनना पसंद करती हैं। नंबर दस, सिंधी ज़बान को ये एजाज़ भी हासिल है कि इंडिया की तमाम ज़बानों में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा सिंधी ज़बान में ही हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।